Welcome back to the channel Flop on our blog. So guys, hope आप लोग अच्छे होंगे और आपको बस यही मोटो था ये ब्लॉग बनाने का कि अभी जो निजामुद्दीन का हाल है वो दूसरे जगह ना हो और कभी भी ये रिलीजन को लेकर ऐसी आवाज ना उठाएं कोई भी. यही रिक्वेस्ट है मेरा सबसे कि रिलीजन कुछ नहीं होता, पहले हम इंडियन हैं और हमें अपने आप को और अपने देश को सेफ रखना है. जिसके कारण आपको कुछ कुछ हैं जो गवर्नमेंट ने डाली है रूल्स, तो उसको फॉलो करो और घर पे रहो, सेफ रहो. निजामुद्दीन में क्या हाल है, कैसा है, नहीं है, आपको मैं बताता हूँ डिटेल्स में. और क्यों हुआ ये, क्या रीजन नहीं है, मतलब जो भी होता है डिटेल्स में आपको शेयर करता हूँ. बट हाँ गाइज, स्टे इन होम, जितना ज्यादा हो सके बाहर मत निकलो और घर पे रहो, दूसरों से मत मिलो, खुद को सेफ रखो, दूसरों को भी सेफ रखो. बाय. सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये अपडेटेड न्यूज़ है जो कि रिसेंटली अपडेट हुआ है, जो कि 15 कोरोना वायरस कंफर्म केस हुआ है तमिलनाडु में. ये दिल्ली में जो मस्जिद में इवेंट था, निजामगढ़ मस्जिद में, उसके कारण. तो ये जो निजामगढ़ वाली जो इवेंट थी वो आपको काफ़ी दिन पहले हुई थी, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण सभी लोग अंदर रह गए थे. तो इसमें दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पुलिस सभी को, मतलब जो भी वहां पे गए थे, विजिट किए थे, उन सभी लोगों को ये दोबारा चेक करने के लिए बोला गया. इसके कारण बहुत 100 लोग से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं एक्चुअली, ठीक है. तो अभी तक तो कुछ केस ही हाथ लगा है, जैसे कि आपको देख लो, मतलब एटलीस्ट 50 पीपल्स फ्रॉम तमिलनाडु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम कोरोना वायरस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लार्ज रिलेटिव गैदरिंग एज दिल्ली निजामुद्दीन. तो ये मस्जिद है जहाँ पे इवेंट होता है, जो इवेंट हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है कुछ. तो वहाँ पर ये सिम्टम्स मिला है. और आपको बता दूं, ये जो वायरस था वो काफी लोगों में फैल गया था और 7 लोग की डेथ हो चुकी है दिल्ली में. बस इस लोकेशन का मैं बात कर रहा हूँ जो कि निजामुद्दीन मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ. तो इस मस्जिद में 7 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ जो विजिट किए थे, और 50 लोग से ज्यादा तमिलनाडु के लोग थे जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है. तो एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की फेलियर है या फिर अनअवेयरनेस है जिसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है. तो अभी रिसेंटली आप देख लो, 24 पॉजिटिव केस दिल्ली में आए हैं और 6 इन तेलंगाना, 10 इन अंडमान निकोबार एंड 1 इन कश्मीर एंड 50 इन तमिलनाडु. सो गाइज, अब तक ये सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब आपको एक दिन में 100 क्रॉस हो चुका है. और आपको मैं बता दूं, ये जो गैदरिंग हुआ था यहाँ से अराउंड 824 फॉरेनर्स थे जो कि ट्रेवल किए हैं डिफरेंट स्टेट्स में. तो ये लोग को खोजा जा रहा है और उनका भी टेस्ट वगैरह किया जाएगा कि हाँ क्या है, नहीं है, उनका हेल्थ कैसा है. तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी, ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है दिल्ली के लॉ अग्रवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोल रखा है कि जो भी होता है ये किसकी गलती है उसको फाइन करेंगे. और देखिए गाइस, मतलब ये तो स्पेशली इग्नोरिंग ही हो रहा है. मतलब आप वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मस्जिद में काफी लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए थे, जिसको पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी. तो जब मना है गैदरिंग करना यहाँ पे इस तरीके से, तो फिर पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता. तो गाइस, अवेयर रहो खुद से और जितना ज्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो. तो आपको मैं बता दूं कि अभी के डेट में इंडिया का रेट जो है वो काफी हद से बढ़ रहा है. मतलब एक दिन में 100 प्लस, मतलब ज्यादा ही केसेस होते हैं गाइस. मतलब पहले 20, 10, 5, 6 ऐसे आते थे, लेकिन अभी 101 दिन में आए हैं. तो ये काफी बैड न्यूज है इंडिया के लिए. आगे अगर ऐसा चलता रहा तो ये काफी ज्यादा, जो आप लॉकडाउन देख रहे हो 21 डेज का, ये हो सकता है 3 मंथ्स का भी हो जाए, जैसे चाइना में किया गया था 81 डेज के लिए. तो ऐसे ही कुछ 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 हो सकता है. तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा गाइस कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो और जितना ज्यादा हो सके लोग से कम मिलो और खुद को सेफ रखो, दूसरों को भी सेफ रखो.
और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जो भी हैं आप लोग भी भारत के नागरिक ही हैं, आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे कि किस तरीके से आप भारत को सेफ रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। तो गाइज स्टार्ट करो और प्रूव करो इंडिया को कि हाँ वी आर द बेस्ट एज यूजुअल। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।